यूपी के घोसी विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने ओपी राजभर को लेकर बड़ा दावा किया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का अंदर से मुझे समर्थन था। घोसी विधानसभा और बहुल जनपद के सारे दलों को, जनपद वासियों को, विधानसभा के जितने मतदाताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बीजेपी के प्रत्याशी सुबह से नहीं दिखे यहाँ पर, क्या लगता है? बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान सुबह से नहीं दिखे, क्या लगता है? दारा चौहान हमारे मित्र है ना, वो आपको घर देके चले गए पहले ही। अच्छा, आप पहले से ही कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं? ये नहीं, सारी जनता के समर्थन था, पार्टी के सवाल ही नहीं कोई है। सारी जनता जब साथ है उसमें पार्टी कहां से पैदा हो जाती है? तो आपको क्या लगता है कि तारा से, अरे ओम प्रकाश राजभर का जादू नहीं चला? ओम प्रकाश नेता है, उनका भी अंदर से हमारा ही सपोर्ट था। आपने भेज दिया उनको? हम क्या होते भेजने वाले, यहाँ की जनता जिसको चाहे भेज दे वापस कर, हम क्या। वहीं सुधाकर सिंह ने अपने बेटे के वायरल ऑडियो पर FIR दर्ज करने के सवाल पर कहा कि पुलिस और नेता का गहरा संबंध होता है, अगर नेता पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो पुलिस का कोई मतलब नहीं है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में जीत का श्रेय उन्होंने जनता को दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि सारे दलों का मुझे सपोर्ट था, पूरी जनता हमारे साथ थी, साथ ही विधायकों और मंत्रियों की फौज के अलावा उप मुख्यमंत्री को घोसी में रैली के लिए आने पर उन्होंने कहा कि सभी हमारे मित्र थे और मेरे साथ विधायक रहे हैं, मुझे जिताने आए थे। एक सवाल सामने आ रहा है कि आपके बेटे का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिससे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उससे क्या कहेंगे आप? नेता के ऊपर मुकदमा, पुलिस का और नेता का कितना गहरा संबंध होता है? मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो पुलिस का कोई मतलब है, नेता कोई मतलब है? जीत का श्रेय किसको देंगे? जनता को। कितने वोटों से जीते हैं? कितने वोटों से जीत हुई आपकी? 42,672। सारे दलों का मुझको समर्थन था, पूरी जनता हमारे साथ थी, दल का कहां सवाल पैदा होता है? दो डिप्टी CM, 26 मंत्री और 60 विधायक यहां मौजूद थे, कैंप किए हुए थे, सब हमारे मित्र थे, सब हमारे साथ विधायक रहे, सब हमारी मदद करने आए थे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर पे क्या कहेंगे? वो भी हमारी मदद किए हैं। मदद किया उन्होंने? आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह को कुल 1,24,427 वोट मिले, वहीं दारा सिंह चौहान को 81,667 वोट मिले। इस तरह सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से उपचुनाव में हरा दिया।